Dear students, good morning. Today I am going to start unit 6 and chapter number 1, whose title is class discussion. And writer of this poem is Jervis Finn. And this poem is about, this chapter is about a discussion in the classroom. As you can see that this is a scene of classroom and teacher is over here and discussion is going there, but a girl whose name is Jane is not taking part in the discussion. She is sitting silently, and that's why teacher asked her that why she is sitting silently and not taking part in the discussion. So Jane replied that there are many people in the world who do not like to speak बिकॉज दे आर क्वाइट बाई नेचर. कि वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शांत नेचर के, शांत प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है. तो जेन भी उसी तरह की है, तो वो इसलिए उसने बताया कि वो क्वाइट बाई नेचर है. ऐसा नहीं है कि वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती है. वैसे सबको डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे विचार जो होते हैं और भी बढ़ते हैं और आइडियाज़ न्यू हमें आते हैं, ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. रिसाइट एंड डिस्कस की पोएम को रिसाइट करो और डिस्कस करो, ठीक है. अब देखिए क्या है. इन द क्लास डिस्कशन जेन यू हार्डली सेड ए वर्ड. वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड, ठीक है. अब देखिए इन द क्लास डिस्कशन, जो क्लास का डिस्कशन हो रहा है, मतलब जो आपस में बातें कर रहे हैं बच्चे, चर्चा कर रहे हैं, जेन तुमने, तुम हार्डली का मतलब शायद ही कुछ कहा हो, ठीक है, शायद ही तुमने शायद ही कोई वर्ड कहा हो. We all aired का मीनिंग क्या है, कि हमने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, हमारे व्यूज़ को. देखो we all aired our opinions, our opinions मतलब हमारे व्यूज़, हमने अपने व्यूज़ को पब्लिकली एक्सप्रेस्ड किया है. aired का मतलब एक्सप्रेस्ड करना पब्लिकली, ठीक है. तो हमने अपने व्यूज़ को सबके सामने, मतलब पब्लिकली का मतलब सबके सामने, ठीक है, एक्सप्रेस किया है. एक्सप्रेस का मतलब सुनाया है या कहा है, ठीक है, अपने विचार व्यक्त किए हैं, व्यक्त करना. बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड, लेकिन तुम्हारी तरफ से, बेयरली का मतलब कि शायद ही हमने सुना हो, ठीक है, ओनली जस्ट, या मुश्किल से भी कह सकते हैं इसको, मुश्किल से हमने सुना हो. यू सेट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस राउंडेड बाय द चैटर. तुम बैठी थी और घूर रही थी इन साइलेंस, मतलब चुपचाप, ठीक है, सराउंडेड बाय द चैटर, मतलब तुम्हारे चारों तरफ बातचीत हो रही थी. सराउंडेड का मतलब चारों तरफ से घिरी हुई थी तुम बातचीत से. नाउ टेल मी जेन, अब मुझे बताओ जेन, एंड प्लीज बी प्लेन, और कृपया, मतलब साफ साफ बताना, ठीक है, क्लियरली बताना. प्लेन का मतलब क्लियर, ठीक है, क्लियर, प्लेन का मतलब क्लियर. इज देयर एनीथिंग द मैटर, क्या कोई बात है जो तुम बोल नहीं रही हो, मतलब ये पूछ रही हैं टीचर. जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक, जेन ने ऊपर की तरफ देखा, लुक्ड अप का मतलब ऊपर की तरफ देखा, एंड देन शी स्पोक, और तब वो बोली, देन मतलब तब, और वो है बोली. हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, उसकी आवाज़ साफ और धीमी थी. देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं इस वर्ल्ड में, संसार में, Who are rather quite, you know, कि आपको पता है, आप जानती हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो quiet होते हैं, silent होते हैं, चुप होते हैं, ठीक है. और वो rather का मतलब है यहाँ पे prefer करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, मतलब उसकी बजाय वो करना पसंद करते हैं, मतलब चुप रहना पसंद करते हैं. तो इसका rather का meaning होता है used to indicate one's preference in a particular matter, कि उनकी एक preference होती है, ठीक है, मतलब उस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं वो, चुप रहने को, ठीक है. यहाँ पे वो एक एक
चीज़ को महत्व देते हैं, मतलब इसका रादर का मीनिंग ये है, ठीक है। तो यहाँ पे वो किस चीज़ को महत्व देती है, चुप रहने को, तो उसका नेचर ही ऐसा है। ओके, ये जर्विस फिन ने लिखी है ये पोयम। नाउ वी आर ऑन द वर्ड मीनिंग एंड डिफिकल्ट वर्ड्स। सम देयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स सच एज एयर्ड। एयर्ड मीन्स एक्सप्रेस्ड पब्लिकली, कि अपने विचारों को सबके सामने रखना। ओपिनियंस मतलब आइडियाज, मतलब विचार। बेयरली मतलब ओनली जस्ट, कि शायद ही कुछ, मुश्किल से, ठीक है, मुश्किल से। स्टेयर्ड ए है यहाँ पे, STARED, स्टेयर्ड। लुक्ड फिक्स्डली, ठीक है, लुक्ड फिक्स्डली। थोड़ा सा क्लियरली लिख देती हूँ, ए है ये स्टेयर्ड, यानी कि लुक्ड फिक्स्डली, कि एक ही तरफ देखते रहना, ठीक है, एक ही तरफ ध्यान देना, एक साइड देखते रहना। चैटर टॉक, प्लेन क्लियर, क्वाइट साइलेंट मतलब चुपचाप। रादर यूज टू इंडिकेट वंस प्रेफरेंस इन पर्टिकुलर मैटर, कि रादर का यूज कब किया जाता है, कि पर्टिकुलर मैटर में एक प्रेफरेंस, मतलब एक किसी चीज़ को ज़्यादा महत्व देना, ठीक है। डिस्कशन टॉकिंग टुगेदर इन ए ग्रुप ऑन ए सिंगल टॉपिक। डिस्कशन का मतलब क्या है, कि आपस में बात करना एक ग्रुप में, एक सिंगल टॉपिक पे, एक किसी टॉपिक पे। ओके, अब है लेट्स रीड, नेक्स्ट टॉपिक है। क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास, कि क्या एक्टिविटी चल रही थी क्लास में। तो क्या चल रहा था, एक डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। ए डिस्कशन वाज गोइंग, एक्टिविटी की जगह हम व्हाट एक्टिविटी की जगह हम क्या लिख देंगे, ए डिस्कशन। ए डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन द क्लास, ठीक है, पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा पीछे वाला आंसर, सिर्फ क्या आ जाएगा व्हाट एक्टिविटी की जगह, ए डिस्कशन, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम, ए डिस्कशन, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम इसका आंसर, ए डिस्कशन वाज गोइंग ऑन, ठीक है, ए डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। हु वाज द क्वाइट वन इन द क्लास, क्लास में कौन था चुप, जो था जेन थी ये लड़की, ठीक है। जे तो हु वाज की जगह, हु की जगह हम क्या लिख देंगे, जेन। हु का मतलब कौन, तो कौन थी वो, जेन थी। जेन वाज क्वाइट वन इन द क्लास। वाई वाज सी क्वाइट, वो चुप क्यों थी। सी वाज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियंस, क्या वो अपने विचार प्रकट करने से डरती थी, नहीं। सी हेटेड द नॉइस, उसको आवाज़ पसंद नहीं थी, नहीं ऐसा नहीं है। सी डिडेंट लाइक द एक्टिविटी, उसको एक्टिविटी पसंद नहीं थी, ऐसा भी नहीं है। सी वाज क्वाइट बाई नेचर, वो नेचर से शांत थी। हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन, डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट, आप कैसे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हो, एक्टिवली या फिर नहीं करते हो, ठीक है। तो वो लिखना है आपको, क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई इंटरेक्ट एक्टिवली, ठीक है, इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशंस, ठीक है, यस आई पार्टिसिपेट इन क्लासरूम डिस्कशन, ठीक है। आई और क्या बोल सकते हैं हम, आई डोंट लाइक टू बी क्वाइट, मुझे चुप रहना पसंद नहीं है, या फिर अगर चुप रहना पसंद है तो फिर आप वो लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये लेट्स रीड हमने कर लिया है, ये आंसर्स लिखेंगे जैसे जैसे मैंने बताए हैं अभी, ठीक है। उसके बाद देखिए, थिंक एंड राइट। चूज़ टू फ्रेंड्स इन योर क्लास हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। टू फ्रेंड अपनी क्लास में चुनने हैं जो एक दूसरे बिल्कुल अलग हों। यूज़ द क्ल्यूज, मतलब आपको चुनने हैं और उनके बारे में लिखना है। यूज़ द क्ल्यूज इन द बॉक्स टू डिस्क्राइब देयर नेचर। यू मे ऑल्सो एड योर ऑन वर्ड्स टू डिस्क्राइब दैम, ठीक है। ये जो वर्ड्स यूज़ करे गए हैं, इनका यूज़ करके आपको उनके बारे में बताना है। जैसे देखिए, नोटी, नोटी है क्या कोई फ्रेंड आपका, एक नोटी वाला ले सकते हैं और एक शांत वाला ले सकते हैं, या फिर कोई भी दो डिफरेंट नेचर के लेने हैं। देखो, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बोला ना, तो एक अगर नोटी होगा तो दूसरा क्वाइट होगा, शांत होगा, मतलब लड़ता नहीं होगा वो, ठीक है। लाइवली मतलब जिंदा दिल, शेयरिंग जो शेयर करता है अपनी चीज़ें, केयरलेस
जो मतलब केयरलेस है, अपनी चीज़ों की परवाह नहीं करता है, मतलब अपनी चीज़ों को इधर उधर भूल जाता है और परवाह नहीं करता है। स्टूडियस मतलब जो पढ़ाई करने वाला, क्वाइट मतलब जो शांत है, चुपचाप है, फ्रेंडली जो जिसका स्वभाव फ्रेंडशिप रखने वाला है, ठीक है, मैत्री रखने वाला है, हेल्पफुल जो सहायता करने वाला है, ठीक है, रेगुलर जो रेगुलर रहता है क्लास में, चीयरफुल जो खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है, ठीक है। तो इन वर्ड्स का यूज़ करके आप अपने दो फ्रेंड्स को डिस्क्राइब करोगे क्लास में, किन्हीं दो बच्चों को डिस्क्राइब करना है आपको, ठीक है। तो ये खुद से करना है, यहाँ पे भी लिखना है उसका आंसर और नोटबुक में भी लिखना है। ट्राई टू डू इट्स योर सेल्फ, अदरवाइज आई विल टेल द आंसर इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट हेडिंग इज लेट्स टॉक। वट इज़ अ डिस्कशन? डिस्कशन क्या होता है? डिस्कशन के बारे में बताया गया है कि क्या होता है। देखिए, टू डिस्कस मतलब डिस्कस करने का मीनिंग, मीन्स मतलब मीनिंग क्या है, टू टॉक टुगेदर, आपस में बात करना, और डिसाइड समथिंग, और किसी चीज़ को डिसाइड करना। वैन यू डू दिस, आप कब करते हैं ऐसा कि आप डिस्कशन कर रहे हैं, यू आर टेकिंग पार्ट इन ए डिस्कशन, कि आप डिस्कशन में भाग ले रहे हैं, ठीक है। रीड द सेंटेंसेस बिलो, जो सेंटेंसेस नीचे दिए गए हैं उनको पढ़ो। दे टेल अस व्हाट हैपन्स इन ए डिस्कशन, वो आपको बताएंगे कि डिस्कशन में क्या होता है, मतलब आपको पता चलेगा कि कब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं। इन ए डिस्कशन ईच पर्सन गिव्स हिज आइडियाज वन बाय वन, डिस्कशन में हर पर्सन अपने आइडियाज मतलब अपने विचार बताता है, देता है वन बाय वन, एक के बाद एक, ठीक है। सम टेल वाई समथिंग शुड बी डन, कोई बताता है कि क्यों हमें समथिंग शुड बी डन, कि कुछ हमें करना चाहिए। अदर्स में टेल हाउ, दूसरे ये बता सकते कि कैसे करना चाहिए। पार्टिसिपेंट आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर देम, जो पार्टिसिपेंट होते हैं डिस्कशन में वो क्वेश्चंस पूछते हैं और आंसर देते हैं, ठीक है, मतलब आपस में ही क्वेश्चंस पूछते हैं और दूसरा पर्सन उसका आंसर करता है, मतलब दूसरा स्टूडेंट भी हो सकता है वो पर्सन। मैनी आइडियाज़ आर गिवन, बहुत सारे विचार यहाँ पे दिए जाते हैं, मतलब बहुत सारे आइडियाज़ दिए जाते हैं। एवरी वन हेल्प्स टू डिसाइड विच आइडियाज़ आर द बेस्ट, हर कोई हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि कौन सा विचार या कौन सा आइडिया सबसे अच्छा है, ठीक है। आप लोग भी अपनी क्लास में कभी कभी डिस्कस करते होंगे किसी चीज़ के बारे में कि कौन सी चीज़ सही रहेगी, जैसे असेंबली होती है तो जिनको चूज़ किया जाता है वो आपस में एक ग्रुप होता है, वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से बेटर परफॉर्म किया जाए, है ना। नोट द पॉइंट्स यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग ए विजिट टू द पार्क, अब देखिए ये एक डिस्कशन करेंगे किस बारे में, कि वो पार्क में घूमने जा रहे हैं और उसके बारे में उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या क्या डिस्कस करेंगे वो। चूज़ ए डे एंड टाइम, एक डे और मतलब किस दिन जाना है और किस टाइम पे जाना है ये चूज़ करेंगे। आपकी फैमिली में भी डिस्कशन होता है इस बारे में, जैसे ये पार्क की बात कर रहे हैं, आपको अगर कहीं घूमने जाना है तो सभी मेंबर्स क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे जाना है, किस दिन जाना है और कहाँ जाना है, ठीक है, और कैसे जाना है, बाय ट्रेन जाना है, बाय बस या बाय गाड़ी जाना है, कार जाना है, तो इस तरीके से डिस्कशन किए जाते हैं। और क्या क्या फूड भी लेके जाना है वहाँ पे, है ना, खाना वाना क्या लेके जाना है, ये सारे डिस्कशन किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, चूज़ ए डे एंड टाइम, सबसे पहले एक डे मतलब दिन चूज़ करते हैं और टाइम चूज़ करते हैं। व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग टू प्ले, कौन सी चीज़ें खेलने के लिए लेके जानी है, ठीक है। असाइन ड्यूटीज़, क्या क्या ड्यूटी रहेंगी वहाँ पे, भाई किसको क्या करना है, ठीक है। थिंग्स टू ईट, कौन कौन सी चीज़ें खाने के लिए लेके जानी है, ठीक है। लुक एट द पिक्चर इन द पोएम, जो पोएम है वो पिक्चर को देखो। इन इमेजिन एंड राइट वट द डिस्कशन इन द क्लास इज अबाउट, कि किस चीज़ का डिस्कशन हो रहा होगा इस क्लास में, ठीक है। आपको खुद ही कोई बताना है कि क्या डिस्कस कर रहे होंगे ये बच्चे, कि किस बारे में डिस्कशन चल रहा है क्लास में, ठीक है। कोई भी डिस्कशन हो सकता है, ठीक है, तो वो आपको बताना है, खुद से सोच के बताना है ये, ठीक है। तो ट्राई इट योर सेल्फ। नेक्स्ट पेज पे देखिए, फिल इन द ग्रेड गिवन बिलो बाय असाइनिंग क्वालिटीज टू ईच पर्सन, सम क्लूज आर गिवन हेयर टू हेल्प, ठीक है। क्लू दिए गए हैं और कौन सी क्वालिटीज हैं किस पर्सन में, ठीक है, वो हमें बतानी है। देखिए, संगीता लैंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर, जो संगीता है वो अपनी पेंसिल देती है अपने पार्टनर को। नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड
ए चैटरबॉक्स, नीरो को क्या कहा जाता है, चैटरबॉक्स मतलब बातूनी कहा जाता है, ठीक है। प्रणव रिसेंटली सेव्ड ए कैट फ्रॉम ड्राउनिंग इन द लेक, प्रणव ने अभी अभी एक कैट को बचाया है, किसमें डूबने से, लेक में डूबने से, ठीक है, तालाब में डूबने से उसको बचाया है। मेघा ही जस्ट द अपोजिट ऑफ नीरव, जो मेघा है वो नीरव के बिल्कुल अपोजिट है, मतलब क्या, अगर वो चैटर बॉक्स है, देखो नीरव कैसा था, बातूनी था, तो वो कैसी है, शांत है, क्वाइट है बाय नेचर। उसके बाद मिथिला ऑलवेज टीजिज एवरीवन, जो मिथिला है वो हर किसी को छेड़ती रहती है। रितु इज ऑलवेज सीन विद ए बुक इन हैंड, रितु को हमेशा एक बुक लिए हुए देखा जा सकता है उसके हाथ में, ठीक है। अब इनके बेसिस पे हमें बताना है कि कौन कैसा है। देखिए ब्रेव, ब्रेव कौन है, ठीक है, कौन हो सकता है ब्रेव, देखो देखो प्रणव हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसने अभी भी एक कैट को डूबने से बचाया ना, वही तो ब्रेव होगा, क्योंकि उसने किसी की लाइफ सेव की और अपनी जान को जोखिम में डाल के, ठीक है, तो प्रणव है ब्रेव, तो इस पे हम टिक करेंगे। उसके बाद देखिए नोटी कौन है, नोटी कौन है, जो दूसरों को परेशान करता है, मिथिला है, मिथिला मिथिला है, नोटी ऑलवेज टीजेस एवरीवन, हर एक किसी को छेड़ती रहती है, तो मिथिला है नोटी, तो मिथिला के नीचे हम टिक करेंगे, मिथिला के सामने और नोटी के नीचे। उसके बाद देखिए क्वाइट मतलब चुप कौन है, देखिए ना, जो नीरव था वो चैटर बॉक्स था, तो मेघा क्या थी, उसके अपोजिट थी ना, तो मेघा है क्वाइट, देखो मेघा कहाँ, ये रहा मेघा क्वाइट है। उसके बाद देखिए मिथिला ऑलवेज टीजेस, ये हो गया था, ओके। अब हमें देखना है कि टॉकेटिव कौन है, बातूनी कौन है, टॉकेटिव यानी कि चैटरबॉक्स, नीरव है, नीरव है टॉकेटिव, तो यहाँ टिक कर देंगे हम। उसके बाद जेनेरियस कौन है, जो अपन जो दूसरों की हेल्प करता है, हेल्पफुल नेचर का है, उसको हम जेनेरियस बोलते हैं, संगीता है वो, ठीक है, तो सबसे नीचे है, इसके ऊपर टिक कर देंगे। उसके बाद कौन रह गया, स्टडियस मतलब जो पढ़ाकू है, कौन है पढ़ाकू, देखो जिसके हाथ में बुक रहती है, रितु, रितु है, तो रितु के सामने ऐसे टिक कर देंगे। तो इस तरह से ये करना है, ये सभी काम बुक में और नोटबुक में दोनों में आपको फिल करने हैं, ओके, दैट्स ऑल।